के अंदर एक आइलैंड मौजूद है जिसे ईस्टर आइलैंड के नाम से जाना जाता है। इस आइलैंड के ऊपर 900 रहस्यमय मूर्तियां मौजूद हैं और इन सभी मूर्तियों को पत्थर से तराशा गया है, जिसमें से कुछ मूर्तियां पूरी हैं और वहीं कुछ मूर्तियों को आधा अधूरा तराशा गया है और इसमें से हर एक मूर्ति 30 से 40 फीट लंबी है। जब इस आइलैंड को पहली बार खोजा गया था तब इन स्टैचू के सिर्फ सर ही दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब यहां पर खुदाई की गई तो पता चला कि जितने ये स्टैचू ऊपर दिख रहे हैं उससे कहीं ज्यादा जमीन के अंदर दबे हैं। जिस आइलैंड के ऊपर ये मूर्तियां मिली हैं उस आइलैंड पे इंसानों के रहने का कोई भी सबूत नहीं मिला है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इन मूर्तियों को क्यों और किसने बनाया था। लेकिन जब इस आइलैंड का आर्कियोलॉजिस्ट टीम ने सर्वे किया तो उन्होंने बताया कि इन मूर्तियों को रापानुई नाम की एक जनजाति के लोगों ने 1250 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी के बीच बनाया था और ये जनजाति ईस्टर आइलैंड के ऊपर ही रहती थी और उन लोगों ने इन मूर्तियों को अपने पूर्वजों की याद में बनाया था। लेकिन फिर किसी प्राकृतिक कारण की वजह से इस जनजाति को ये आइलैंड छोड़कर जाना पड़ा और इसी वजह से यहाँ पर कुछ मूर्ति आधी अधूरी ही बनी है। लेकिन ये बस एक थ्योरी है, असल में इन मूर्तियों को क्यों और किसने बनाया ये आज भी एक रहस्य है। वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि सैकड़ों साल पहले पृथ्वी पर एलियन आए थे और उन एलियन ने ही इन मूर्तियों को बनाया था, फिर किसी कारण की वजह से वो इनका काम आधा अधूरा छोड़कर चले गए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हो और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना।